Welcome, dear students. Today's topic is fractions and decimals. Class 7, mathematics students. So, this is worksheet number 4. So, let us start with fractions and decimals, worksheet number 4. First of all, we have question number 13. Which is greater, 3.05 or 3.50? Here, how we write 3.05? 3.05 can be written as 305 upon 100. Similarly, 3.50 can be written as 350 upon 100. Now, because 100 is same, so we avoid this. Now we just look at numerator. This is 305 and this is 350. Now, out of these two numbers, which one is greater? Clearly, this is 350. 350 is greater. So, this is the answer to the question. Dear students, now we have next question. Express 49 millimeter in centimeter, meter, and kilometer. So, first of all, first part, converting 1 millimeter into centimeter. This is the rule. This is the formula. 1 millimeter is equal to 0.1 centimeters. Therefore, according to the question, what is 49 millimeter? Multiply with 49. This becomes 49 upon 10. 49 upon 10 can be written as 4.9 centimeter. So this is the answer. Next part, convert 49 mm millimeter into meter. So 49 millimeter, 1 millimeter is equal to 0.01 meter. ये हमारे पास फॉर्मूला है. तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने अब 49 मिलीमीटर को कन्वर्ट करना है. मतलब 49 से मल्टीप्लाई करो. 49 अपॉन 1000 बन गया. क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 के साथ कितनी जीरोज लगाई? 3 जीरोज. क्योंकि यहां पर 0.001 डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स थे? 1, 2, 3 डिजिट्स थे, इसलिए 1 के साथ नीचे 3 जीरोस. इसी तरह से डिनोमिनेटर को अगर हमने हटाना हो, डेसिमल में लिखना हो, तो 3 जीरोस हैं, तो ऊपर 3 डिजिट छोड़कर राइट साइड से काउंट करो. पहला डिजिट 9, दूसरा डिजिट 4. अब है नहीं कोई डिजिट, तो अपनी मर्जी से 0 लगाओ. देन डेसिमल, 0 अपनी तरफ से. So what is this? 0.049. Third part is convert 49 millimeter into kilometer. तो सबसे पहले तो formula. 1 millimeter क्या होता है? Is equal to 10 raised to power minus 6 kilometer. मतलब denominator में 1 के साथ 6 zeros. Raised to power minus 6 का क्या होता है? Meaning 1 के साथ 6 zeros in the denominator. So we have now 49 millimeter is equal to 49 divide 1 के साथ कितनी zeros? 6 zeros. So 49 millimeter is equal to 49 into 10 raised to power minus 6. इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिख सकते हैं. हमारा आंसर यहां तक भी काफी है. स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? एक डिजिट के बाद डेसिमल लगाना.
तो 49 की बजाय हम क्या लिखेंगे, 4.9। तो ये 10 रेस्ट पावर माइनस 6 कितना बन जाएगा, 10 रेस्ट पावर माइनस 5। डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव हाउ मच लेस इज 42 किलोमीटर देन 81.9 किलोमीटर, दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हाउ मच लेस मतलब हमने इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, तो इन दोनों में बड़ा कौन है, 81.9। तो डिफरेंस कैसे निकालते हैं, ये अकेला 42 है तो हम 42 के बाद डेसिमल के नीचे डेसिमल लगाएंगे और अपनी मर्जी से ये जीरो लगा सकते हैं। अब हम इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, तो ध्यान देना है कि डेसिमल के नीचे डेसिमल ही रहना चाहिए। 9 माइनस 0 9, यहाँ 1 माइनस 2 नहीं निकलते, तो क्या करना पड़ेगा, इधर से एक हमने क्या लिया, अब कितना बन गया यहाँ पर, 10 को 10 ले लिया, 10 प्लस 1 11, 11 माइनस 2 9, यहाँ कितना बचा है 7, 7 माइनस 4 3। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16, एक्सप्रेस इन किलोग्राम, पार्ट नंबर ए, 7 किलोग्राम 5 ग्राम। तो 7 किलोग्राम का मतलब है 3 जीरोस लगाएंगे तो 7000 प्लस ये 5 प्लस 5 कितना हो गया, 705, मतलब 705 ग्राम। तो 3 डिजिट छोड़कर कितना बन गया, 7.005 किलोग्राम। तो पहले हम ग्राम लिख रहे थे, अब हम केजी लिख रहे हैं, लेकिन साथ में ये डेसिमल भी लग रहा है। बी पार्ट, 7492 ग्राम, इसको किस में कन्वर्ट करना है, किलोग्राम में, तो 7.492 किलोग्राम इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट सी पार्ट, 315 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, तो दिस इज इक्वल टू 0.315 किलोग्राम। डियर स्टूडेंट्स, अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्रेस एज रूपीज यूजिंग डेसिमल्स। सो वेरी फर्स्ट पार्ट इज 9 पैसे, हाउ टू कन्वर्ट 9 पैसे इनटू रूपीज, 9 पैसे, 100 पैसे मेक्स 1 रूपी, सो 9 पैसे इज इक्वल टू 9/100 रूपीज, सो दिस इज इक्वल टू 0.09 रूपीज, दिस इज अ सिंबल ऑफ रूपीज। नाउ वी हैव सेकंड पार्ट, 8 रूपीज 3 पैसे, सो व्हाट इज 8 रूपीज, रूपीज 8 प्लस 3 पैसे, 3 पैसे मीन 3/100। नाउ हाउ टू एड द टू फ्रैक्शंस, 8 इज इक्वल टू 8/1। नाउ टेकिंग एलसीएम, एलसीएम इज 100, सो 8 इज मल्टीप्लाइड विद 100 बिकम्स 800 प्लस 3, आंसर इज 800, 3/100 is equal to 8.03. So 8 rupees 3 paise is equal to rupees 8.03. Similarly, this is the C part, 725 paise. Mean to say this is equal to 725/100 is equal to 7.25 rupees 7.25. नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म 300.05, हाउ टू राइट दिस, 3 कम्स इन 100, 1s 10s 100, दिस इज 10th 100th, सो वी राइट इट एज 3 इंटू 100,
नेक्स्ट इज जीरो, दिस जीरो इंटू टेन, दिस इज वन प्लेस, जीरो इंटू वन, फिर डेसिमल के बाद टेंथ आएगा पहले, जीरो इंटू वन अपॉन टेन प्लस फाइव इंटू वन अपॉन वन हंड्रेड। सो एक्सपेंडेड फॉर्म क्या बन गई, जीरो इंटू समथिंग को हम छोड़ सकते हैं लिखना, तो सिर्फ ये थ्री इंटू वन हंड्रेड प्लस फाइव इंटू वन हंड्रेड। बी पार्ट 2.105, टू की टू का प्लेस है वन प्लेस, वन का प्लेस क्या है वन बाई टेंथ, इसका क्या है जीरो का प्लेस है वन अपॉन वन हंड्रेड, फाइव का प्लेस क्या है वन अपॉन वन थाउजेंड। इसी तरह हम बढ़ते जाएंगे, तो एक्सपेंडेड फॉर्म दिस इज टू इंटू वन प्लस वन इंटू वन अपॉन टेन प्लस फाइव इंटू वन थाउजेंड। सिमिलरली वी हैव 30.39, मतलब थ्री इंटू दिस इज टेन। थर्टी पॉइंट थ्री नाइन मतलब कितना हुआ, थ्री इंटू टेन दिस इज टेन नॉट वन हंड्रेड। नेक्स्ट इज जीरो, जीरो इंटू दिस इज वन, थ्री इंटू टेन प्लस जीरो इंटू वन प्लस डेसिमल के बाद क्या आएगा थ्री, थ्री की प्लेस वैल्यू थ्री इंटू वन अपॉन टेन। नेक्स्ट इज नाइन, नाइन इंटू वन अपॉन वन हंड्रेड। सो दिस वे वी हैव थ्री इंटू टेन प्लस, ये इसको हम हटा सकते हैं क्योंकि जीरो इंटू समथिंग जीरो हो गया, थ्री इंटू वन अपॉन टेन प्लस नाइन इंटू वन अपॉन वन हंड्रेड। डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द प्लेस वैल्यूज ऑफ फाइव इन द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स। सो दिस इज द गिवन डेसिमल नंबर 29.205, तो ये हमारे पास टेबल है जिसमें कि प्लेस वैल्यू टेबल बोलते हैं इसको, यहाँ से हम डिसाइड करेंगे कि फाइव की प्लेस वैल्यू क्या है, टेंस वंस, डेसिमल वाली लाइन ये है, तो डेसिमल के बाद वन अपॉन टेन होता है, फिर वन अपॉन वन हंड्रेड, फिर वन अपॉन वन थाउजेंड, उसके बाद भी लिखना हो कितना होगा वन अपॉन टेन थाउजेंड। सो इस डेसिमल की लाइन के नीचे और डेसिमल लिखेंगे 205, तो फाइव की प्लेस वैल्यू कौन सी हुई वन अपॉन वन थाउजेंड, वन अपॉन वन थाउजेंड। इसी तरह से व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ फाइव इन 85.32, दिस इज टेंस में आ गया एट, वन डेसिमल वाली लाइन कौन सी है ये वन अपॉन टेन, तो वेयर इज फाइव, फाइव इज हियर, तो प्लेस वैल्यू ऑफ फाइव इज वंस, वंस प्लेस। नाउ वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, लैला बॉट 8 केजी 7 ग्राम ऑरेंजेस एंड 4 केजी 25 ग्राम ग्रेप्स। टेसी बॉट 5 किलोग्राम 200 ग्राम बनानास एंड 6 केजी 305 ग्राम मैंगोस। व्हाट इज द क्वेश्चन, हु बॉट मोर फ्रूट्स एंड बाय हाउ मच। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कसिंग अबाउट लैला, 8 केजी प्लस 7 ग्राम, 8000 प्लस 7 इक्वल टू कितना हुआ ये ग्राम में 8007 ग्राम। इसी तरह से ग्रेप्स के बारे में 4 केजी 25 ग्राम, 4 केजी का मतलब 4000 प्लस 25 ग्राम, तो आंसर इतना हो गया। इन दोनों को अब हम ऐड करेंगे, ऐड करके 8007
4025, 7 plus 2 12, 2 2 plus 1 3 0, 8 plus 4 12, तो 12,032 ग्राम। तो ग्राम को कन्वर्ट करना है किलोग्राम में, तो कितना हो गया 12.032 किलोग्राम, मतलब 12 किलोग्राम 32 ग्राम। इसी तरह से टेसी 5 kg plus 200 ग्राम, मतलब 5,000 plus 200 इक्वल टू 5,200 ग्राम। नेक्स्ट है मैंगोज 6 kg plus 305 ग्राम, 6,000 plus 305 इक्वल टू 6,305 ग्राम। सो एडिंग दीज टू फ्रूट्स नाउ, 5,200 plus 6,305, 0 plus 5 5, 0, 3 plus 2 5, 6 plus 5 11, दिस इज इक्वल टू 11.505 किलोग्राम, मीन 11 kg 505 ग्राम। तो बताओ अब इन दोनों को कंपेयर करो, 11 kg 12 kg, बड़ा कौन हुआ जो ये है। तो लैला ने जो फ्रूट्स खरीदे हैं मोर, लैला बोट मोर फ्रूट्स। नेक्स्ट पार्ट क्या है, हु बोट मोर फ्रूट्स एंड बाई हाउ मच, कितना ज्यादा खरीदा। अब इन दोनों आंसर्स का हमने डिफरेंस निकालना है। बड़े वाला था 12.032, और इसको किस में से माइनस करना है, किस किसको माइनस करेंगे, 11.505। तो डेसिमल के नीचे डेसिमल, 12 माइनस 5 7, यहाँ बच गया 2, 2 माइनस 0 2, ये है 10, 10 माइनस 5 5, यहाँ बच गया 11, 11 माइनस 11 0, 0.527 ग्राम।